नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है दोपहर के फटाफट खबरों का। WHO के प्रमुख ट्रेडोस ने कहा है कि यदि गरीब देश कोरोना वैक्सीन को पाने में इसी तरह तरसते रहे तो कोरोना से विश्व को निकलने में काफी देर लगेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में CRPF के शहीद सुरक्षा कर्मियों को दी श्रद्धांजलि। यूपी पुलिस की टीम वज्र वाहन के साथ मुख्तार अंसारी को लाने के लिए पंजाब हुई रवाना, बांदा जेल में किया जाएगा शिफ्ट। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की बढ़ी मुश्किलें, परमबीर सिंह के आरोप पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया CBI जांच का आदेश। दिल्ली मेट्रो, रेलवे स्टेशन और बाजार में घूमने वाले रहे सतर्क, मास्क न पहनने पर 200 से 2000 तक का लगेगा फाइन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अप्रैल को करेंगे छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा, शाम 7 बजे देख सकते हैं ऑनलाइन। उड़ीसा सरकार की कई योजनाओं में भ्रष्टाचार का हुआ खुलासा, परिवहन, उद्योग समन्वय, OPTCL, इडको एवं बीज निर्माण आदि क्षेत्र में व्यापक भ्रष्टाचार होने की CAG ने की खुलासा। बंगाल व असम में तीसरे और पुद्दुचेरी, तमिलनाडु, केरल में पहले चरण का वोटिंग होगा कल, तैयारियां हुई पूरी। बिहार बोर्ड 10वीं के परीक्षा का परिणाम आज होगा घोषित, ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर कर सकते हैं चेक। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने लगवाया कोरोना वैक्सीन की पहली डोज, इस दौरान मुख्यमंत्री ने टीका उपलब्ध कराने के लिए PM नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को दिया धन्यवाद। बिहार के भागलपुर TMBU में 2 पालियों में आज से हो रही है स्नातक Part 2 की परीक्षा, 24 केंद्रों पर 31,000 छात्र हो रहे हैं शामिल। कोरोना का लक्षण दिखने के बाद पश्चिमी दिल्ली के राजेंद्र नगर स्थित आर्य कन्या गुरुकुल स्कूल की छात्रों का कोरोना टेस्ट कराया गया, जिसमें 9 लड़कियां कोरोना पॉजिटिव मिली, फिलहाल स्कूल को कर दिया गया बंद। लुधियाना में मेगा वैक्सीनेशन कैंप के दूसरे दिन 22,812 लोगों ने लगवाई कोरोना का वैक्सीन। फिल्म हेरा फेरी के तर्ज पर पैसे डबल करने के चक्कर में हरियाणा के कैथल निवासी ने गंवाए 20 लाख रुपए, जमीन भी धर दी थी गिरवी। आध्यात्मिक गुरु एवं उत्तराखंड कैबिनेट के मंत्री सतपाल महाराज आज से बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के लिए करेंगे प्रचार, रविवार को सिल्लीगुड़ी आश्रम में उन्होंने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल से पार्टी विजन पर की थी चर्चा। महाराष्ट्र, गुजरात, MP के बाद अब झारखंड में भी लॉकडाउन की है तैयारी, CM हेमंत सोरेन ने दिए संकेत। बढ़ते कोरोना को लेकर MP के CM शिवराज की अपील, कोविड रूपी संकट से मुकाबला के लिए सभी पार्टी और सभी लोग मिलकर सामने आए। अमरनाथ यात्रा में खलल डालने की साजिश का हुआ खुलासा, झज्जर कोटली से ISJK के सदस्य को किया गया गिरफ्तार। मुंबई में ही खेले जाएंगे IPL 2021 के मैच, BCCI को महाराष्ट्र सरकार से मिली अनुमति। आपको बता दें कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम के 10 ग्राउंडमैन को कोरोना होने से उठा था सवाल। आमिर खान की बेटी आयरा खान ने उनका गलत नाम बोलने लिखने वालों को दी जुर्माना लगाने की धमकी, सोशल मीडिया पर हुई ट्रॉल। तो ये थी मिडडे की फटाफट खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।